गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? और बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, और आज का जो व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, तो वो दो व्लॉग शूटर हैं। हाँ, एक नितेश का भी खुद, वो खुद शूट करे, मैंने नहीं बोला, वो शूट करे और मैं अपना अपना। तो आज है संडे और हम जा रहे हैं सोमिनी को मिलने के लिए। तो मैं स्टैक रख देती हूँ, क्योंकि ना पीछे रख देती हूँ, बच्चों को देखना है ज़रा डिक्की उगड़ता। सैक रख देती हूँ। अजून काय तयड तिथं दे बरं, इकडं तुझी सॅक देती दे गं ना, इकडं ब्लँकेट दे, इकडं माझं घेतलंय बाबा। सो मैंने हेलमेट लाई है क्योंकि कल टाइम ही नहीं मिला। और ये कौन सी मम्मी ने दी थी मुझे, रेड वाली है। और स्वामी श्री और गणेश जी को मैं नेल पेंट अभी नहीं लगाने वाली हूँ, है ना बेबी? बेबी नीचे बैठो। तो स्वामिनी को फ़ोन लगा रही हूँ, उसका छुट्टी है, संडे है। वो मेरे पे चिल्लाएगी अभी, मुझे ऐसा लगता है वो सोई होगी। एक ही दिन ऐसा होता है कि उसको हेलो निघालो म्हटलं, आत्ता 7 वाजले, हाँ मग पुढं कुठंमध्ये आलं की फोन करतो। हाँ, लोकेशन शेअर कर तुझं। हाँ, तो स्वामिनी को कॉल कर दिया है और उसका कहना था कि मैं जल्दी और निकलनी चाहिए थी। ना यार, इतना और जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि नितेश की पूजा सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो सब कुछ करना इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से इतनी जल्दी नहीं निकल सकते हम। और देखते अभी वहाँ पे क्या क्या करते हैं, हमारे कुछ प्लान नहीं है, बस ऐसे ही रैंडमली उसको मिलने जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, मतलब पुणे में गई नहीं हूँ मैं, और क्या करेंगे अभी और ज़्यादा देखते। तुलसीबाग मुझे ऐसा लग रहा था कि जाएंगे, बट तुलसीबाग में अगर मैं एक बार जाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तुलसीबाग मीन्स पुणे में, जैसे कि अभी आपको पता होगा दिल्ली में सरोजनी नगर है, उसी काइंड ऑफ में तुलसीबाग है, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है, ज्वेलरी की, फिर उसके बाद ड्रेसेस मिल जाते हैं। और मैंने आई थिंक 2 साल पहले जब गई थी ना, तो उतनी वैरायटीज़ नहीं थी, बट अभी पता नहीं आई होगी मे बी, बट वहाँ पे महाराष्ट्रन काइंड ऑफ की जो ज्वेलरी होती है ना, वो बहुत अच्छी मिलती है। तो देखते हैं अभी अगर टाइम मिलता है तो हम वहाँ पे जाएंगे। और स्वामी श्री हाय, बेचारे बच्चे, इनको भी जल्दी उठना पड़ता है। और आप पता नहीं, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे देख रही हूँ ना, बहुत सारे लोग जो है जॉगिंग के लिए, मतलब है ना, जॉगिंग के लिए आ गए। मतलब हम सुबह सुबह ऐसे निकलते हैं ना यहाँ से, तो इतने लोग नहीं रहते थे, मतलब कोरोना के पहले का टाइम है। अभी तो ये बहुत टाइम के बाद हम ऐसे 4-व्हीलर में निकले हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा बनती है, तो यहाँ पे शुगर फैक्ट्री बहुत है, तो जो गन्ने लेके जाते हैं ना, जो ट्रैक्टर, तो अभी एक गन्ने का ट्रैक्टर जो है वो रुका हुआ था, और एक आदमी 2-व्हीलर, मतलब वो एक अपना ही ऐसे रुका था साइड में, तो एक 2-व्हीलर लेके आया, उसके पीछे रुका और उसका गन्ना जो है निकाल रहा था। मुझे बचपन में याद आया था, हमारे बचपन की याद, हम ना छोटे थे ना, तो हम रहते, मतलब मेरा मायका जो है ना, मैं स्टार्टिंग से वहीं से रहती हूँ, जैसे कि बॉर्न से, मतलब जन्म से वहीं पे रहती हूँ ना। तो हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन के यहाँ पे बहुत सारे गन्ने के ट्रैक्टर जो थे, ट्रक हुआ करते थे, ट्रैक्टर नहीं ट्रक हुआ करते थे, तो वो रुकते थे। और उस टाइम हम, मेरे दादाजी वगैरह, वो सारे गन्ने जो वगैरह लाते थे, हम खाते थे, इतने ज़्यादा खाते थे। और पता है इतना वो हैप्पी वाला मोमेंट होता था ना, क्योंकि एक तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमको तोड़ना नहीं आता था वो गन्ना, और फिर उसके बाद हमारे जो दादाजी या फिर पापा वगैरह जो है वो कट करके देते थे ना, उसको उसका जूस निकाल के जो खाना होता था ना, वो इतना मतलब अच्छा लगता था ना हमें, बहुत बार हम खाते थे, बहुत बार। अभी तो मतलब बहुत साल हो गया हमने खाया ही नहीं, सो वो याद मेरे को।
सो अभी हम किनी टोल नाके पे है। अगर आप कोल्हापुर से पुणे जाते हो तो ये टोल नाका कंपलसरी लगता है। मैं आपको बता दूँ, फास्टैग कंपलसरी करवा के लीजिएगा, क्योंकि ना हमें डबल फाइन, मतलब डबल फाइन तो नहीं बोल सकते, डबल चार्जेस जो है वो देने पड़े। अभी अगर हम सपोज फास्टैग करते तो हमें 75 रुपीज़ लगता, बट अभी हमें 150 रुपीज़ चार्ज है वो लग चुका है। और इसलिए अभी मैं, और हाँ, मैंने तो इसको बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि तुम ये फास्टैग करवा के ले लो। और वे कल रात को कर रहे थे तो पेटीएम के ज़रिए जो है ना वो सर्वर जो है डाउन दिखा रहा था। तो अभी ये सभी लोग जो रुके हैं ना फास्टैग के लिए रुके हैं, क्योंकि इतना चार्जेस देना पड़ता है ना। एक तो पुणे जाते टाइम इतने सारे टोल नाके लग जाते हैं हमको, तो इतना ज़्यादा चार्जेस है, और वो भी डबल देना पड़ेगा। तो मतलब आप सुन लीजिएगा हमारे भी, क्योंकि ना मैं इनको बहुत टाइम से, मैं ना न्यूज़पेपर वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ, तो मैंने उनको उस टाइम जब ये न्यूज़ आई थी ना कि फास्टैग अभी कंपलसरी होने वाला, मैं उस दिन से बोल रही हूँ। और मैं अभी इतने काम में बिज़ी थी ना, मुझे लगा कि पेटीएम के ज़रिए अपने आप से हो जाएगा, बट वो हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे टोल के पास ही ये फास्टैग अभी करवा के देते हैं। और एक बंदा था तो मैंने उनको पूछा, मतलब हमारे यहाँ पे है, तो वो पता है 400 रुपीज़ ले रहा था और उसका रिचार्ज मुझे 150 रुपीज़ मिल रहा था। तो मैंने बोला रहने तो भैया, हम अपना अपना कर लेते। सो नितेश देखे चाय पी रहे हैं, ये चीज़ मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, बंदा कैसे इतना रिलैक्स रह सकता है। मतलब मेरे को ऐसा रहता है कि यार कैसे पैसे बच जाए, और ये इंसान ऐसा है कि और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को इतना बुरा लगता है ना, डबल पैसे अगर चले जाते हैं और हमको पता होने के बावजूद भी हमने ये सारी चीज़ें की। और मैं ऑनेस्टली बता दूँ, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी, तो मेरा ये ध्यान जो है हट गया था। और अभी उन्होंने मुझे नितेश को बताया कि पेटीएम का जो है वो अभी बंद हो चुका है। सो आप कभी भी अभी खुद के 4-व्हीलर से ड्राइविंग करोगे ना, तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा फास्टैग करवा के। तो ये वाले भैया हैं शायद, ये करवा रहे हैं कुछ तो। हाय, अभी ये तीसरा टोल है हमारा। अभी तो हमने फास्टैग कूटे, हाँ, तो यहाँ पे लगवा लिया, ये देखिए हमारा। सो अभी हमें रुकना भी नहीं पड़ता है, डायरेक्टली जाना पड़ता है। कितने रुपए आपला पण कट होते 60-65 रुपये। हा का ऑरेंज गणेश अभी तो खेल ही रही है, स्वामी श्री का भी खेलना बाकी है। बहुत बहुत गर्मी यार। तो अभी मैंने स्वामिनी का बेल्ट पहना है, मैं लेके जाती हूँ, मैं लेके जा रही हूँ, ये और ऑप्शन ही नहीं है। इतनी मतलब ये है ना, मेरी सारी चीजें उठा के लेके जाती, मेरे को पुष्टि भी नहीं है। क्या चाय पीना? नहीं पैसे, ठीक है। दूध आज दूध नहीं है, कैसा है? असला पाउडर से चाय ना? हां हां, दे लतर दे दे। हां मां। और ये लड़की मतलब ऐसे रहते ना, इतना भी गंदा नहीं रहना चाहिए, सच में।
नितेश अपना अपना ही जुगाड़ कर रहे हैं, वो ही अभी बोल रहे हैं कि मिस पे फिर अभी हम बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं शर्म तो है नहीं इस लड़की को, शर्म तो है नहीं। ये बोल रहे कितने पतली गद्दे हमको चलता है, हमको चलता है गद्दा गद्दा गद्दा। पागल है कि तो आम पास सुधा जागा ठेवले नहीं है बिग बाजार मध्ये एक चक्कर मारून ये आणि जाऊया। असेल ग स्वीटी, चलो चलो अगं बघू राहिले बेबी थांबत। और मैं आपको बता दूँ हमारे यहाँ के बिग बाज़ार में और यहाँ के बिग बाज़ार में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी है, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है। सो स्वामिनी ने बस सौंफ लिया है, दिखा था मम्मी के लिए बिग बाज़ार। अरे यार मेरे को लगा वो सौंफ नहीं, नहीं तो चुचू बेट सौंफ दिखाओ, दिखा फ्लामा। हाँ अरे मम्मी मम्मी के लिए लिए है। और बिग बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें थी बट जो मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रहा था, मुझे कुछ सैंडल्स वगैरह चाहिए थे। और जहाँ पे हम जिस मॉल में गए थे ना, मैं आपको बता दूँ वहाँ पे जो ब्रांडेड जो शोरूम्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं थे। जो लोकल मार्केट में होते हैं ना शॉप्स, तो वो स्टॉल जो होते हैं ना जैसे कि किसी हॉल में लगते हैं, तो वो सारे स्टॉल थे। तो वैसा नहीं चाहिए था हमें, थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी के चप्पल्स वगैरह चाहिए थे। तो अभी यहाँ से कौन सा मॉल रहे वो फिनिक्स वो बहुत दूर है, तो इसलिए अभी हमने प्लान जो है कैंसिल किया।
किया और दोपहर का जो लंच है बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो अभी निकलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। आई थिंक 5 बज गए क्या? 6 बज गए। देखो और पुणे में ऐसा है ना कि हर एक जगह दूर दूर होती है, तो अभी हमें इसको छोड़ना है, फिर उसके बाद निकलना है इस मैडम को। ये महिवान क्रिकेट से है, हाँ, स्टेडियम कड़े वर घे ना तिला। सो फाइनली अभी हमारा खाना हो चुका है और प्रांस कोड़ी वड़ा, हाँ, हमने प्रांस कोड़ी वड़ा स्टार्टर में लिया था एंड फिर उसके बाद बिरयानी ली थी। और एक्चुअली हमने दोपहर में इतना ज़्यादा खाना खाया था ना, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो बिरयानी हमने हाफ ली थी क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बट ऐसा था ना कि थोड़ी सी भी अगर भूख लग जाएंगी बाद में तो खाना खाने के लिए घर पर कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ घर में कुछ नहीं है और सब कुछ बंद भी हो जाता है 10 बजे के बाद हमारे यहाँ पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि खा लेते भाई और बच्चों को भी खिलाया। सो चलिए अभी चलते हैं। ये मानस होटल है, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा है। सातारा के पहले आ जाता है ये मानस, ये दिखाई नहीं देगा। ठंड है अभी यहाँ पे। और स्वामी स्वामी श्री ने पता है क्या किया था, मोबाइल वहीं पर रख दिया था, रख दिया था। अच्छा, स्वामी श्री ने मैंने बोला और अच्छा मेरा ध्यान गया, महंगा बसना रहे ना। और यहाँ पे नॉनवेज की इतनी सारी वैरायटीज है, इतनी सारी नितेश ने बाद में जो बिरयानी ऐसे, मतलब मैंने इनको क्या बोला, नहीं जा रही तो रहने दो क्योंकि दोपहर का खाना बहुत लेट हो गया था ना, इन्होंने नहीं खा ही ली। इनका ऐसा होता है ना कि मतलब खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और घर पे थोड़ी सी थी बची हुई तो वो भी कैसे लेके जाएंगे, तो इसलिए खा लिया इन्होंने। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे खीमा बिरयानी, दम बिरयानी खाई और बहुत और अगर आप आएंगे ना, मतलब पुणे हाईवे पे है ये जो होटल है ना, मानस बनाना लीफ, आप गूगल पे सर्च कर लेना। इतनी सारी वैरायटीज़ थी मतलब मुझे तो लग रहा था कि क्या, अगर बहुत ज़्यादा भूख होती तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ना। और मेन चीज़ है ना, फैमिली बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ी फैमिली आनी चाहिए क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। हम एक बार हमारे यहाँ के एक होटल में गए थे, हाँ बेबी ज़रा आवाज़ बंद करेगा, हमने मटन लिया था और इतना कम क्वांटिटी में, आपको बता भी नहीं सकती, इतना महंगा था और इतनी कम क्वांटिटी थी, 350 रुपीज़ में था। इतना सा मतलब चार पीस भी, वो भी अच्छे नहीं थे, छोटे छोटे से पीस थे। और यहाँ पे तो मतलब कितने डाले बिरयानी, प्रॉन्स कोळी वडा किती ला होता, 350 आणि हे 290 के 280 असं, हां सो ठीक है यार क्योंकि क्वांटिटी भी उतनी थी। और इन्होंने प्रॉन्स कोळी वडा ऐसे मुंह ऐसे कर करके खाया। नहीं यार, थोड़ा सा डिफरेंट भी खाना चाहिए यार, कभी कभी वही चीज़ें। दोपहर को भी वही खाया जो हम होटल 24K में खाते, कोल्हापुर के होटल में जो खाते ना स्टार्टर, वही खाया था। सो स्वामी ने को भी भूख, स्वामी ने भी बिरयानी खाई, वो बोल रही थी मेरे को भूख नहीं थी और ऐसे टूस टूस के खाई, वेस्ट नहीं करनी थी। तो सभी ने मतलब बच्चों को भी हमने किया। गन्नू ने आज सुबह से खाना नहीं खाया था, गन्नू ने हाँ आप भी खाया थोड़ा बहुत और फिर टॉयलेट भी गई। सो चलिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, आपको कैसा लगा ये व्लॉग बता देना। और स्वामी ने को बहुत टाइम के बाद हम मिलने के लिए गए ऐसे पुणे में, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब से पुणे में गए तब से हम गए नहीं। सो चलिए बाय एंड गुड नाइट।